हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉम एंड मिश्री। सो आज हम लोग आए हुए हैं वेगस मॉल में। तो यहाँ पे फन सिटी है और हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मिश्री को यहाँ पे लेके आएं और कुछ फन एक्टिविटी कराएं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कार्ड ले लिया है जो हमें 1500 रुपीज़ का मिला और इस पर 2000 रुपीज़ अमाउंट मिला है। तो यहाँ पे मिश्री को हमने हॉर्स पे बिठा दिया और यहाँ इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी ना, जो बाकी की दो प्यारी सी बच्ची हैं वो ट्विंस थी, तो उनको देख के ना इतने फनी फेस बना रही थी, सबसे ज़्यादा यही इंजॉय कर रही थी। और उनकी मम्मी भी बोल रही थी कितना ज़्यादा खुश हो रही है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसको। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम मिश्री को क्या करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों के लिए ये ना बहुत ज़्यादा छोटी है। तो जहाँ भी जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि नहीं, इतनी हाइट होनी चाहिए, छोटी है ये वो। तो हमने सोचा चलो हम ही अपने इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिश्री के पापा आ गए हैं बास्केटबॉल डालने के लिए और मुझे ये वाला गेम बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मुझे भी बड़ा मन कर रहा था और ये मैंने पहले भी किया था। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा बॉल गई बास्केट में और ऐसा लग रहा था कि हमने मिश्री के लिए नहीं अपने लिए कार्ड लिया है ना। इसके पापा जा रहे थे, वही चीज़ें मुझे भी करनी थी और हम दोनों में ना ऐसे कॉम्पिटिशन जैसा हो रहा था कि नहीं, मैं ही अच्छा करूँगा, वो अच्छा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया और मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे बास्केट में बॉल डाली है और मिश्री बस अपनी यहाँ पे स्ट्रॉलर में खुश हो रही थी, वरना हम जब इसको नीचे उतार रहे थे तो इधर उधर भाग रही थी, बच्चों के साथ भी मज़े कर रही थी। इसके बाद यहाँ पे इसके पापा कोकोनट क्रश करने वाले में आ गए हैं और इतने ज़ोर ज़ोर से मारे ना, ऐसा लग रहा था कि वो टूट ही जाएगा। आप देख सकते हैं वीडियो में कितने तेज़ तेज़ मार रहे थे और इनका निशाना काफ़ी अच्छा है। और मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी ये, बट फिर लास्ट में मैंने थोड़ा एक दो शॉट मार लिए जिसमें थोड़े लगे थोड़े नहीं लगे। और हम ना बाहर पार्क में नहीं ले जा पाते क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी इतनी हो रही है, वहाँ नहीं ले जा पाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक हफ्ते में एक बार तो बाहर ले जा ही सकते हैं, इसलिए मिश्री को यहाँ पर लाए हैं। और एसी रहता है, ठंडा रहता है, तो इन्जॉय भी कर सकते हैं और यहाँ पे मैं खेल रही हूँ। इसके बाद हमने सोचा कि अब क्या करें, कभी कुछ दिख रहा था कभी कुछ दिख रहा था। और यहाँ पे भी हम आए मिश्री को बैठाने के लिए तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, इसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, 10 साल का होना चाहिए। और मिश्री को ये स्पेस जेट पे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, बार बार इसी में आ जा रही थी, अपने आप ही चढ़ जा रही थी और उतरने का नाम ही नहीं ले रही। हम कितना बुला रहे कि हम कह रहे जा रहे हैं हम लोग, लेकिन नहीं, उसका ध्यान सिर्फ उसी में ही था, जो भी लोग आ रहे जा रहे, बाय कर रही, उनसे इंटरेक्ट कर रही, लेकिन हमारी बात नहीं सुन रही। तो पता नहीं और बच्चों के साथ भी ऐसा होता होगा क्या, मिश्री तो ऐसी ही है और सब लोग बस मिश्री को ही देखते हैं कि ये कितना प्यारा बच्चा है, कितना ज़्यादा एक्टिव है, इतना ज़्यादा खूब ज़्यादा मस्ती करती है ये। और अभी भी यहाँ पे लगी हुई है ये, हम कह रहे कि चलो कुछ और देखते, वहाँ पे छोटे बच्चों को झुलाने वाला भी था, लेकिन नहीं, इसको यहीं पर ही बैठना था। तो बस यहाँ पे हमने ऐसा ये भी था और इसमें ना ऐसे जो रेड वाला जो हेड था उसमें नहीं मारना था, मिश्री अपना यहाँ पे लगी हुई थी उससे नहीं हो रहा था। तो इसके पापा ने कहा चलो मैं करता हूँ, खेलता हूँ मैं, तो वो उन्होंने फिर इसको खेला और मैंने कहा चलो मैं भी खेलूँगी इसके बाद जब वो कुछ करे तो मैं क्यों पीछे रहूँ। तो मैंने कहा चलो हम दोनों करते हैं और मिश्री देख रही थी कि मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना। और ज़्यादातर वहाँ पे यही हो रहा था कि इनके पेरेंट्स लगे हुए थे बच्चों की जगह पे खेलने में। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार हमारे टाइम पे तो ये सब चीज़ें थी ही नहीं और अब ये सब अवेलेबल है। तो एक मिनट के लिए हम लोग वहाँ पे ना बच्चे बन गए थे। यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे मारने में लगी हुई हूँ और ऐसा लग रहा था कि टूट ही जाएंगे। तो इतना ज़्यादा हमने इन्जॉय किया यहाँ पे, मिश्री भी देख रही थी, खुश हो रही थी हम लोगों को देख के कि ये क्या कर रहे हैं आज। जहाँ भी बच्चों की लाइन लगी हुई थी ना तो हम लोग भी थे कि अब ये करते हैं अब ये करते हैं। और हमारा टाइम पता ही नहीं चला, हमने 1-1.5 घंटा वहाँ पे स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और अभी हमारे कार्ड में और भी अमाउंट रह गया है तो हम फिर से जाएंगे और फिर से खूब इन्जॉय करेंगे। और मिश्री फिर दोबारा यहाँ पे आ गई है,
इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, समझ में नहीं आता कि उसको कि मम्मी पापा हैं या नहीं हैं, बस उसी में ही लगी हुई थी। उसके बाद हमें भूख लगने लगी, हम उसको बुला रहे थे कि मिश्री चलो चलते हैं, लेकिन नहीं नहीं आ रही और बच्चों के साथ भागने में लगी है। इसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टॉयज़ को पकड़ना होता है और वो फिर आपका हो जाता है। तो इसके पापा ने भी ट्राई किया, उनसे नहीं हुआ, और मेरा तो मतलब लग ही रहा था कि हाँ अभी आ ही गया है, लेकिन इतना ज़्यादा ये नाजुक होता है ऊपर का पकड़ने वाला कि वो उसमें से छूट गया। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।